वालेकुम सलाम, खैरियत दुलफ़खर साहब? दुआ। कल से एक नोटिस जारी हुई, कहते 11 बजे बाजार बंद करा देना। हाँ, क्या है मसला? मैं भी देखा, क्या है मसला? पता नहीं, वो उनके पास से आई, कमिश्नर के पास से। हाँ, 11 बजे बंद बोल गया, उसमें दिया पहले 1 बजे तक रखे थे जी, अब 11 बजे तक बंद करना बोलते। हाँ, तो पक्का है? बात करिए, मैं भी पढ़ा हूँ नोटिस। हाँ, नोटिस तो पूरा आ गई भाई, पूरे मीडिया वालों का नहीं आ गई। अब तकरीबन लोग फोन कर रहे हैं मेरे को, तो मैं अभी मैसेज लेके दुलफ़खर साहब को बोलता हूँ। बोला तो क्या करना है दुलफ़खर साहब? क्या कर सकते, बात करेंगे सीएम साहब से, बात करेंगे। अच्छी बात है दुलफ़खर, 100 साल जियो तो मेरी दुआ है तुम्हारी। क्यों भाई, आप एक बार असेंबली में खड़े रहके बोले, वो तो चार मीनार के पास हम आते थे, चाय पीते थे, नारे मिलती, खाना कहाँ मिलता, पानी कहाँ मिलता, सब बोले। फिर उसके बाद बोले वो आना है, टूरिस्ट आती वहाँ पे, सब बोल के 1 बजे तक टाइम बोले, सब बहुत चाप बोले। अचानक आ गए दुलफ़खर साहब, ये अचानक कैसा आ गया? वही छह बात, अब बात करना, अकबर साहब बात करे तो हो जाता, गरीब लोगों का फायदा हो जाता। वही अकबर साहब बात करेंगे, बराबर करेंगे, क्यों नहीं करते? जरा देखिए उसके ऊपर, गरीबों का मसला है, देखो दुआ लगेगी आपको। बराबर करेंगे, गरीबों का हमदर्द आप ही थे, आप कोई भी नहीं, हमारे हमदर्द। नहीं, सब हमदर्द है, पूरी जमात है आपके साथ। वो तो सत्ता बनकर साहब तो है पहले, मगर आप हमारे सदर साहब है जी, करते बराबर, क्यों नहीं करते? सदर साहब है, अकबर साहब है, हम लोग पूरे एमएलए है साथ, जो एमएलसीया है जी, अलहमदुल्ला 44 काउंसलर है, फिर आप जैसे सपोर्टर्स भी है पूरे। अरे अकबर, 9 बच्चों में से 3 बच्चों को छोड़ा दिया अस्सद साहब जी, माशाल्लाह। भैतीन का नामा करे वो जो गोशा महल में हुआ था, कॉन्सिटी में, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है दुलफ़खर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बात करेंगे, कराएंगे। अच्छी बात, अल्लाह। वालेकुम सलाम, खैरियत दुलफ़खर साहब? दुआ। कल से एक नोटिस जारी हुई, कहते 11 बजे बाजार बंद करा देना। क्या है मसला? मैं भी देखा, क्या है मसला? पता नहीं, वो उनके पास से आई, कमिश्नर के पास से। हाँ, 11 बजे बंद बोल गया, उसमें दिया पहले 1 बजे तक रखे थे जी, अब 11 बजे तक बंद करना बोलते। हाँ, तो पक्का है? बात करिए, मैं भी पढ़ा हूँ नोटिस। हाँ, नोटिस तो पूरा आ गई भाई, पूरे मीडिया वालों का नहीं आ गई। अब तकरीबन लोग फोन कर रहे हैं मेरे को, तो मैं अभी मैसेज लेके दुलफ़खर साहब को बोलता हूँ। बोला तो क्या करना है दुलफ़खर साहब? क्या कर सकते, बात करेंगे सीएम साहब से, बात करेंगे। अच्छी बात है दुलफ़खर, 100 साल जियो तो मेरी दुआ है तुम्हारी। क्यों भाई, आप एक बार असेंबली में खड़े रहके बोले, वो तो चार मीनार के पास हम आते थे, चाय पीते थे, नारे मिलती, खाना कहाँ मिलता, पानी कहाँ मिलता, सब बोले। फिर उसके बाद बोले वो आना है, टूरिस्ट आती वहाँ पे, सब बोल के 1 बजे तक टाइम बोले, सब बहुत चाप बोले। अचानक आ गए दुलफ़खर साहब, ये अचानक कैसा आ गया? वही छह बात, अब बात करना, अकबर साहब बात करे तो हो जाता, गरीब लोगों का फायदा हो जाता। वही अकबर साहब बात करेंगे, बराबर करेंगे, क्यों नहीं करते? जरा देखिए उसके ऊपर, गरीबों का मसला है, देखो दुआ लगेगी आपको। बराबर करेंगे, गरीबों का हमदर्द आप ही थे, आप कोई भी नहीं, हमारे हमदर्द। नहीं, सब हमदर्द है, पूरी जमात है आपके साथ। वो तो सत्ता बनकर साहब तो है पहले, मगर आप हमारे सदर साहब है जी, करते बराबर, क्यों नहीं करते? सदर साहब है, अकबर साहब है, हम लोग पूरे एमएलए है साथ, जो एमएलसीया है जी, अलहमदुल्ला 44 काउंसलर है, फिर आप जैसे सपोर्टर्स भी है पूरे। अरे अकबर, 9 बच्चों में से 3 बच्चों को छोड़ा दिया अस्सद साहब जी, माशाल्लाह। भैतीन का नामा करे वो जो गोशा महल में हुआ था, कॉन्सिटी में, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है दुलफ़खर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बात करेंगे, कराएंगे। अच्छी बात, अल्लाह हाफिज़।